हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में होममेड क्रिस्पी चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। सारे स्टेप बहुत ही सिंपल हैं और बस आप इसे फॉलो करें, बिल्कुल ऐसे ही आपके भी चिकन नगेट्स बनकर तैयार होंगे। तो प्लीज़ रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इन चिकन नगेट्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ होगा। इसे बनाने के लिए आपने बोनलेस पीसेस लेने होंगे चिकन के। तो ये मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है और इस तरह से इसे मैं वॉश करकर क्लीन करकर इसके पीसेस कट कर ले रही हूँ। तो बहुत ही फास्ट, क्विक और ईजी मेथड मैं आपको चिकन नगेट्स का बनाने का बता रही हूँ। तो एक बड़े बोल में मैंने ये सारे चिकन नगेट्स के पीसेस जो हैं इस तरह से छोटे छोटे कर कर एक बड़े बोल में ले लिया है और अभी हमें इसे मैरिनेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही इसमें डाल रही हूँ मैं पैप्रिका पाउडर। अगर आपके पास में पैप्रिका पाउडर नहीं है तो आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से वैसे मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और इसमें पेपर पाउडर डाल रही हूँ। और बस इसे अच्छे से हमें मिला देना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और ये चिकन रेडी है। इसे आप ढक कर कवर कर कर मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दीजिए साइड पर। अभी एक बड़ा प्लेट ले लें, उसमें डालें 1 कप मैदा और 1/2 कप आपने डालना होगा कॉर्नफ्लावर। इसमें डालें 1/2 छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही आप डालें इसमें चिली फ्लेक्स 1 छोटे चम्मच। साथ में नमक डाल रही हूँ मैं और नमक के साथ ही इसमें मैं डालूंगी मिक्स्ड हर्ब। अगर आपके पास में ये मिक्स्ड हर्ब नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालें। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। अब एक और हमें चीज़ बनाना है, स्लरी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक बड़े बोल में मैं यहाँ पे 1/2 कप मैदा और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और पानी डालकर नमक के साथ में बिल्कुल पतली स्लरी तैयार कर ले रही हूँ और इसे भी तैयार कर साइड पे रख लेना है। एक और स्टेप है जिसमें हमें ब्रेड क्रम्स बनाना होगा। तो ब्रेड को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर ग्राइंड कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गई है। तो इस ब्रेड क्रम्स में भी हमें फ्लेवर्स ऐड करने होंगे। तो नमक, पैप्रिका पाउडर और साथ में मिक्स्ड हर्ब डाला है मैंने, बस यही 3 चीज़ें हमें डालनी हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो जो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं सब में थोड़ा थोड़ा नमक डाला है और एक बार ही एक जगह पे नमक नहीं डालना है, वरना अच्छा नहीं बनेगा, ये फीका सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं बस वैसे फॉलो करें। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया था उसमें हमें ये चिकन पीसेस को एक एक कर उठाना है और इस तरह से इसमें कोट कर देना है। और अब किसी फोक से या हाथों से ही आप इस पे ये सारी कोटिंग अच्छे से लगा दें। इससे क्या होगा कि जो कोटिंग है चिकन पीसेस पे स्टिक हो जाएगी और चिकन जो है बिल्कुल वाइट सा दिखने लगेगा। तो बस पहले आपने सारे जो मसाले हैं लगाकर चिकन को रख देना है और फिर ये वाले मिक्सचर में चिकन को अच्छे से कोट कर देना है। अब एक एक कर चिकन को कोट कर मैंने इसे स्ट्रेनर से छान लिया और इसे अलग बोल में निकाल कर रखा है। यहाँ पे हमारी स्लरी रेडी है और ब्रेड क्रम्स भी तैयार है। अभी एक एक कर हमें ये चिकन पीसेस को डिप करना है स्लरी में और दूसरे हाथों से हमें ब्रेड क्रम्स के साथ में कोट कर देना है। तो बस इस तरह से कोट कर इसका एक्स्ट्रा मैंने डस्ट निकाल दिया है और इसे एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो बस एक एक पीस आपने इसी तरह से कोट किया हुआ जो मैदे और कॉर्नफ्लावर में था चिकन, उसे स्लरी में डिप करनी है और स्लरी में डुबोने के बाद में आप फौरन ही इसको डालें ब्रेड क्रम्स में। तो बस इसी तरह से जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इसी तरह से आपने फॉलो करना है प्रोसेस को और सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो चिकन नगेट्स है बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोटिंग इसके ऊपर हो चुकी है और अभी आप चाहें तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में और मेक एंड फ्रीज करें और आप इसे 7 डेज के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जब भी आपको इसे बनाना हो निकालें और बस गर्मा गर्म ऑयल में डीप फ्राई करें। मैंने यहाँ पे संग संग आपको दिखाना है तो ये जो है आधा मैं रख दे रही हूँ और आधा मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो तेल मैंने अच्छा गर्म किया हुआ है, जब तेल अच्छी गर्म हो गई है तो मैं इसमें एक एक कर इस तरह से ड्रॉप कर दे रही हूँ। थोड़ा केयरफुली करें वरना तेल के छींटे आप पे पड़ेंगे और इसके बाद में आप इसे अच्छे से सिकने दीजिए। कुछ सेकेंड आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें, इसे टच नहीं करें और जब हल्की हल्की सी ये श्रिंक होने लगे, आपको दिखे कि ये कलर बदल रही है तो आप इसे अच्छे से चलाएँ। हल्के हल्के हाथों से बस आपने जेंटली स्टर करना है और इसके ऊपर बहुत प्यारा सा कलर हो जाएगा। चिकन ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। इसी तेल में ये अच्छे से फ्राई होंगे और चिकन टेंडर भी हो जाती है। तो बस इन चिकन नगेट्स को फ्राई करने के लिए आपको अगर ध्यान देना है तो बस इसी बात का कि तेल जो है जब आप इसमें ड्रॉप करें तो तेल बिल्कुल हाई हीट पे गर्म होना चाहिए और जैसे ही आपने ये सारे नगेट्स इसमें ड्रॉप कर दिए हैं फ्लेम आप मीडियम करें और मीडियम फ्लेम पे कुछ 1-2 मिनट आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए धीमी धीमी आँच पर। जब ये फ्राई होंगे तो चिकन अंदर तक टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, जूसी बनेगा।
और ऑल टुगेदर आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने के लिए। तो पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है, फिर आपने मीडियम करनी है फ्लेम, और जैसे जैसे चिकन फ्राई होगी वो श्रिंक होने लगेगी, उसके जूसेस जो हैं निकलेंगे और वो चिकन श्रिंक होने लगेगी और बहुत अच्छा सा फ्राई होने लगेगा। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है। फिर आप लास्ट में एंड के कुछ 2 मिनट लास्ट में भी आपको हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना होगा कलर देने के लिए, और बिल्कुल जब तक इसका कलर जैसा वीडियो में दिख रहा है ऐसा नहीं हो जाता तब तक आप फ्राई कर लें। बिल्कुल क्रिस्पी एंड गोल्डन चिकन नगेट्स आपके तैयार हो जाएंगे। इसे आप एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालें, स्ट्रेनर पर निकाल कर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आपने रेस्टोरेंट वगैरह में ये चिकन नगेट्स खाए होंगे, लेकिन आप इसे ईजिली घर पे बना सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्राई करते हो अगर आप तो मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई आप सभी को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलें फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.